आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। सो इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, इसे पिवट किया गया है एट इट्स अपर एंड एंड इट हैंग्स वर्टिकली, राइट। इसे डिस्प्लेस किया थ्रू एन एंगल 60 डिग्री है ना, एंड देन इट इज रिलीज, राइट। सो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास डीएम एट द टिप ऑफ द रॉड व्हेन द रॉड मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल, राइट। तो सीन ये हो रहा होगा, तो इनिशियली हमारा रॉड कुछ ऐसा होगा, राइट, 60 डिग्री है ना। अब इसे यहाँ से ऐसा किया गया कि ये 37 डिग्री ये होगा, राइट, ये 37 डिग्री। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये मास एलिमेंट डीएम है, राइट, इस पे टिप पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, राइट। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि से ये सेंटर ऑफ मास है ना, कोई रॉड है, इसे कोई रॉड है, इसे अगर हम यहाँ डिस्प्लेस करेंगे किसी एंगल थीटा से, राइट, तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली हमारा कितना था, एच बाई टू पे था, राइट। अभी यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से ये कितना है, एच बाई टू, ये थीटा है, तो मतलब ये एच बाई टू कॉस थीटा होगा, है ना, ये वाला टर्म एच बाई टू कॉस थीटा होगा। तो इसका मतलब ये जो कितना डिस्टेंस ऊपर गया सेंटर मास, सेंटर मास मूव्स एच बाई टू वन माइनस कॉस थीटा, है ना, ये इतना डिस्टेंस मूव किया गया। तो अगर हम देखेंगे आपको बेसिकली एनर्जी कंजर्व करते हैं, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन हमारा क्या, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, राइट। सो इनिशियल एनर्जी हमारा क्या था, इनिशियल एनर्जी हमारा जस्ट पोटेंशियल एनर्जी था यहाँ पे, तो कितना एम जी एच बाई टू वन माइनस कॉस थीटा, है ना, ये था पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनल एनर्जी हमारा कितना था, किससे कि यहाँ पे कोई कैरेज को, अब चूंकि यहाँ से रेस्ट पे था तो उसका ओमेगा जीरो था यहाँ पर, बट चूंकि यहाँ से रिलीज किया गया तो यहाँ पे कुछ दूर ऊपर जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी भी रहेगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है इसका, देखते हैं, सेंटर ऑफ मास एम जी एच बाई टू वन माइनस कॉस थीटा टू, है ना, इनिशियली थीटा वन था से, और प्लस हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑफ द रॉड अबाउट दिस पॉइंट, राइट, आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट। सो हम लिख सकते हैं इसको कि हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच बाई टू कॉस 60 डिग्री, है ना, बेसिकली ये हो रहा है ना कि हमारा कॉस है ना इधर जाएगा प्लस होगा यहाँ पे, और ये वाला माइनस, तो ये माइनस प्लस कर जाएगा, तो हमारा बचेगा कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, राइट, जो कि बराबर है क्या, एम जी एच बाई टू कॉस थीटा टू, थीटा टू इज 37 डिग्री, दैट इज 4/5, राइट, 4/5 माइनस कॉस 60 इज व्हाट, 1/2, राइट राइट। सो इट इज इक्वल टू, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट वन ऑफ इट्स एंड इज एम एच स्क्वायर बाई थ्री, राइट, इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट, एम जी एच बाई टू, दिस इज वॉट 10, नीचे में होगा है ना 5/3/10, राइट, दिस टू विल गेट्स कैंसल, एम एम गेट कैंसल, वन पावर ऑफ एच विल गेट्स कैंसल, सो ओमेगा हमारा आएगा वॉट, इट्स 9 इज इक्वल टू रूट 9 जी बाई 10 एच, ये हुआ हमारा ओमेगा, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी विद विच दिस रॉड इज रोटेटिंग अबाउट दिस एंड पॉइंट, ठीक है। अब इस रॉड का हम डीएम एलिमेंट देखते हैं कि हमारा जो रॉड कुछ ऐसा सीन हो गया होगा ना, रॉड अब कुछ इस जगह पर हो गया होगा, आ गया होगा ना, अगर ये फिक्स पॉइंट है, राइट, फिक्स पॉइंट है तो इधर आ गया होगा, और ये एंगल कितना है 37 डिग्री, राइट। तो चूंकि अब ओमेगा ऐसे मूव कर रहा होगा तो इस पर एक रेडियल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, है ना, चूंकि इट्स मूविंग इन अबाउट दिस पॉइंट, है ना, हम कह सकते हैं कि इट इज मूविंग इन अ सर्कल, राइट, इट जस्ट लाइक अज्यूम कर सकते हैं ओमेगा वेलोसिटी हमारा, तो रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा, इट्स ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, राइट, दैट इज लेंथ ऑफ द हाइट, ओमेगा स्क्वायर एच, ये हुई रेडियल, है ना। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा, चूंकि अब है ना रॉड ऐसे मूव कर रहा है, राइट, समथिंग कुछ लग ही रहा होगा इस पर, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स अभी कौन सा लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, डाउनवर्ड,
डाउनवर्ड लग रहा होगा, तो हम देख सकते हैं, तो ये कितना एंगल, ये 37 डिग्री है, ये भी 37 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो टॉर्क, दिस इज ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, दिस इज टॉर्क इज एक्टिंग अबाउट दिस पॉइंट विच इज गिविंग दिस रॉड एन एंगुलर एक्सीलरेशन, राइट। सो टाउ इज विल बी वॉट, आई इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ दिस रॉड अबाउट दिस पॉइंट, और टाउ हमारे क्या एम जी है ना, और ये फोर्स हमारा लगेगा, तो डिस्टेंस कितना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये एच बाई टू है, और ये साइन 37 डिग्री, राइट, एम जी एच बाई टू साइन 37 डिग्री, राइट, इज इक्वल टू टाउ, और आई क्या हमारा एम एल स्क्वायर, दैट इज एच स्क्वायर बाई थ्री इंटू अल्फा, राइट। तो अल्फा क्या हो गया हमारा, अल्फा इज इक्वल टू एम एम गेट्स कैंसल्ड, राइट, एंड वन पावर ऑफ एच इज कैंसल्ड, सो 3/2 है ना, और साइन 35 डिग्री, 37 डिग्री इज 3/5, राइट, बाई एच है ना, तो अल्फा इज इक्वल टू आपको 9/10h, ये रहा हमारा अल्फा, ठीक है। और बेसिकली अगर हम देखेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा है ना, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू एच, सो इट इज इक्वल टू व्हाट, 9/10h इंटू एच है, तो 9/10, तो इस पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा कितना लग रहा होगा, 9/10h, राइट। तो टेंजेंशियल हमारा 9/10h लग रहा है, और रेडियल हमारा, रेडियल कितना, ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट, 9g/10h, राइट, है ना, तो हमारा जी भी था इधर, राइट, इधर एक जी भी था, है ना, जी भी था इधर, 9g/10h, राइट, 9g/10h, राइट, और यहाँ पे रेडियल कितना, 9g/10h इंटू एच है ना, तो 9g/10, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 9g/10 रहा था, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा, नेट एक्सेलरेशन इज, चूंकि दोनों परपेंडिकुलर है, राइट, तो अल्फा टी का होल स्क्वायर प्लस अल्फा ए आर का होल स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन टेंजेंशियल का होल स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन रेडियल का होल स्क्वायर का रूट अंडर, तो टेंजेंश इट इज जस्ट इक्वल टू √2 9 है ना, g/10 9g/10, ये रहा नेट एक्सेलरेशन। अब फोर्स क्या होगा, फोर्स डी एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स इज इक्वल टू 9g/10 √2 dm, राइट, ये हो गया हमारा फोर्स, राइट।